हेलो फ्रेंड्स, आई एम तारिक मसी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी। यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल अरे बाबा बी कूल एंड बी कूल। मेरी ये वीडियो, इसका मकसद आपको सही बात पहुंचाना है। आप भी सोचते होंगे ये क्या ड्रामा है, हर 3 मंथ बाद फिर गवर्नमेंट लॉकडाउन स्टार्ट कर देती है, फिर से सख्ती स्टार्ट हो जाती है। आइए मेरे साथ इस बात को आज समझिएगा। और मैंने देखा बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं यार ये गवर्नमेंट का ड्रामा है। ओ भाइयों, ये गवर्नमेंट का ड्रामा नहीं है, ये कोरोना का ड्रामा है। मतलब कोरोना का कमाल है, इस बात को समझिए। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फिर कि वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, कोई ना कोई बात आपके फ़ायदे की होगी, बल्कि हर बात आपके फ़ायदे की है, मकसद तो मेरा यही है। और फ्रेंड्स, आपके 1-2 सेकंड लगते हैं इफ़ यू सब्सक्राइब एंड इफ़ यू शेयर। थैंक यू सो मच, और मुझे अच्छा लगेगा। एंड प्लीज़ ज़रूर देखने के बाद मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, थोड़ा सा बैक चलते हैं। अप्रैल में कैसे कितने ज़्यादा बढ़ गई थी, फिर गवर्नमेंट ने लॉकडाउन स्टार्ट किया और फिर मई की 20 के बाद केसेस कम हुए और फिर जून तक सेट हो गया मामला, जून की 20 तक फिर अब केसेस बढ़ना शुरू हुए। इसकी वजह समझिएगा ज़रा। देखिए, जो वायरस है ना, इसका अपना इनक्यूबेशन पीरियड है, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन टाइम होता है। ये 2 दिन से लेके 7 दिन तक, कुछ 3 दिन से 14 डेज तक, कुछ केसेस में 7 से 14 डेज और कुछ केसेस में 7 से 21 डेज तक भी इसका जो है वो इंक्यूबेशन पीरियड चलता है। अच्छा, इसका एक टाइम आता है कि जब ये मल्टीप्लाई होता है ना, 3-4 दिन के बाद एकदम से इसका एक्सपोनेंशियल पीरियड आ जाता है, उसमें एकदम से उसकी कॉपीज डबल हो जाती हैं, उस वक्त ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो बात करते हैं कि क्यों गवर्नमेंट को, और वैसे ओवरऑल देखिए दुनिया में बहुत सारे मुल्कों के अंदर अगेन केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये हालांकि काफ़ी लोग वहाँ पर भी SOPs को फॉलो कर रहे हैं, काफ़ी सख्ती वहाँ पर भी है, लेकिन क्या वजह है इसको समझिएगा। देखिए, अभी आज 27 जुलाई है, अभी जो हम फॉलो करेंगे SOPs को और एहतियात करेंगे, और जो गवर्नमेंट अभी बहुत जल्द लॉकडाउन करने वाली है, इस लॉकडाउन से फौरन अफेक्ट नहीं सामने आता। इस लॉकडाउन का फ़ायदा 1-1.5 माह बाद नज़र आएगा। अच्छा, एक और बड़े मज़े की बात समझिएगा, अभी जो केसेस बढ़ रहे हैं ये सिर्फ डेल्टा वायरस की वजह से नहीं है, डेल्टा वायरस तो अभी 2 वीक्स हुए हैं केसेस सामने आए हैं। तो ये जो इस वक्त केसेस फिर बढ़ गए हैं, 3000 से ज़्यादा पर डे रिकॉर्ड आ रहे हैं, रिकॉर्ड में हैं, और डेथ्स जो हैं वो 40 पर डे डेथ भी हुई हुई हैं। तो ये जो है ये पिछले माह की वजह से है, जो हमने बेहतियाती की, ये जो हमने मई की 20 के बाद जो गवर्नमेंट रिलैक्स किया जून में, यानी 1 माह के अंदर देखिए कितना रिलैक्स होने से कैसे केसेस बढ़े। तो बात वही है कि 14 से 21 डेज में ये मैक्सिमम केसेस बढ़ते हैं, समटाइम 28 डेज में भी हो सकता है, यानी एवरेज देखा जाए तो 14 to 21 डेज में केसेस बढ़ते हैं। इसका ये इनक्यूबेशन पीरियड है, एवरेज हम बात करें तो मैंने बताया 2 से 7 डेज भी होते हैं, 7 to 14 डेज भी हैं। तो ये वो यानी इस वक्त जो मेरा एनालिसिस है, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 4 तरह की वेरियंट्स मौजूद हैं, अल्फ़ा, बीटा, गैमा, डेल्टा भी आ गया है। डेल्टा ज़्यादा फास्ट है, तो डेल्टा की वजह से भी और जो पहले वायरसेस हैं उनकी वजह से अब ज़्यादा केसेस जो हैं वो बूस्टअप होंगे, मतलब राइज करेंगे। तो इस सूरत हाल को देखते हुए NCOC की कल मीटिंग हो रही है, और देखिए वो डेफिनेटली उन्होंने फैसला करना है। और मैं बताऊँ, NCOC की वजह से बहुत सारा फ़ायदा हुआ है। अगर NCOC राइट टाइम पर डिसीजन ना करती तो शायद आज हालात बुरे होते। इसलिए आई अप्रिशिएट NCOC,
क्योंकि जो लोकल गवर्नमेंट है, जो बाकी वज़रा है, उनको तो डिसीजन करने में बहुत देर लग जाती है, बट एनसीओसी ने वक्त पे जो डिसीजन की उसकी वजह से बहुत फ़ायदा हुआ है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और जो मेरी जो मेरा एनालिसिस है, जो अपडेट्स मैं देखता रहता हूँ। तो अजीज़ो, आई होप कि आप मेरी बातें समझ रहे हैं और ज़रूर इस वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा ताकि मुझे खुशी होगी। मैक्सिमम लोगों को तो ये अच्छी बातें पहुँचनी चाहिए, ये नॉलेज की बातें हैं, यू नो नॉलेज इज़ पावर, और ये ट्रू नॉलेज है और ये आप लोगों के फ़ायदे का है। माय फ्रेंड्स, इस बात को समझें, गवर्नमेंट मजबूर है। देखिए, गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट सूट पे ज़्यादा आसानी से इम्प्लीमेंटेशन करा सकती है। हालांकि मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो प्राइवेट जगहों पे भी, मार्केट्स के अंदर, बैंक्स के अंदर भी आर्मी को और बाकी जो सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड करें, ताकि लोगों को समझाया जाए कि लोग एहतियात करें। अक्सर लोग गिला करते हैं कि वाकई ये बात सच है, इंस्टीट्यूट का तो बहुत जल्दी असर होता है और हमारे स्टूडेंट्स की और हमारी जो एजुकेशन सेक्टर है ये काफ़ी डैमेज हुआ है, बट गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट को आसानी से उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना होता है। बाकी वही बात है कि हर बंदे को एहसास खुद करना चाहिए, चाहे वो किस लेवल पे भी है, चाहे एक शॉप के अंदर है या एक कॉलेज के अंदर है या वो ट्रैफिक है, बसेस के अंदर है, कि वो एहतियात करे पाकिस्तान के लिए, अपनी ज़ात की, दूसरों के लिए। तो खुदारा, वैक्सीन लगवाना और एहतियात करना और SOPs को फॉलो करना कोई गुनाह नहीं है, तो प्लीज़ दूसरों की ज़िंदगी के लिए ज़रूर ज़िम्मेदारी का एहसास करें। रही बात ये कब तक चलेगा, जो मेरी प्रेडिक्शन है, जो मेरे एनालिसिस है, बहुत जल्द 5 अगस्त के बाद लगता है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को बंद कर दे, यानी 1 माह के लिए और 1 माह से ज़्यादा के लिए भी पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो क्लोज़ हो जाएं। इसके लिए ऑप्शन नहीं है। और एग्ज़ाम्स की बात तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, वो भी डेफिनेटली पोस्टपोन होंगे, जो 5 अगस्त के बाद अगर होने वाले हैं तो। और ये जो केसेस हैं, ये जो सूरत हाल है, ये आपको मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, ये सूरत हाल जाके बेहतर होगी सितंबर की 20 के बाद, हो सकता है उससे आगे भी जाए, जाके अक्टूबर में सेट हो। एक बात और समझा दूँ, मैं यहाँ गवर्नमेंट को भी हैरान हूँ। अभी जो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुए, PTA गवर्नमेंट ने और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने जलसे जुलूस किए, इसका भी इफेक्ट आपको मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा, अभी जो ईद गुजरी और ये जो गैदरिंग हुई जलसों जुलूसों में, इसका इफेक्ट 1 हफ्ते में नज़र नहीं आएगा। ये रैंडमली फैलता है, जहाँ जहाँ केसेस रैंडमली अफेक्ट होंगे, तो जाके ये 21 से 28 डेज के बाद इसका इफेक्ट नज़र आएगा। यानी ये जो जलसे जुलूसों और जो गैदरिंग हुई ईद के मौके पर और अभी जो गैदरिंग हो रही है, इसका असर नज़र आएगा जाके एंड ऑफ द अगस्त या सितंबर के पहले वीक में। वहाँ केसेस फिर एक दफ़ा काफ़ी ज़्यादा होंगे। और अभी जो लॉकडाउन और जो बाकी SOPs को हम फॉलो करेंगे, इसका इफेक्ट भी नज़र आएगा, बट आफ्टर 14 डेज एंड 21 डेज। तो ये बातें ज़रा समझिएगा प्लीज़, ये कोई ड्रामा नहीं है, हकीकत है, और इसको समझें। देखिए, जिन कंट्रीज़ में मैं बात करूँगा, सिंगापुर में कितने मंथ से, 14-15 मंथ हो गए हैं, कोई डेथ नहीं हुई। और अभी जो कल के रैकेट हैं उसमें उनके 135 केसेस रैकेट हुए हैं न्यू, पिछले माह उनके 32 और सम केसेस थे। तो बाकी कंट्रीज़ में भी काफ़ी केसेस फैल रहे हैं। तो खुदारा, ये एक नेचुरल पेंडेमिक है, आप वेक्टर मत बने। आप वेक्टर जब नहीं बनेंगे, आप रेगुलर अपने हाथ से धोते रहें, एहतियात करेंगे, तो वायरस मल्टीप्लाई नहीं होगा। और एक बात आखिर में करूँगा, अगर गवर्नमेंट छोड़ दे, SOPs को फॉलो करना छोड़ दे, सबको फ्री कर दे, सेम नॉर्मल रूटीन गुजारेंगे, तो क्या होगा, वायरस बहुत जल्दी विद इन 2 वीक्स फैल जाएगा हर जगह। ठीक है, बहुत से लोग बच जाएंगे, लेकिन वो लोग जो वीक इम्यूनिटी वाले हैं और जो एजेड हैं और जो डिफरेंट कैटेगरी के लोग हैं, जो पावरफुल इम्यूनिटी के अलावा हैं, वो लोग बहुत जल्द अफेक्ट होंगे और एकदम से सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। कम टाइम पर ज़्यादा लोग अफेक्ट होंगे और ज़्यादा डेथ होंगी और हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। इस वजह से गवर्नमेंट को बार बार लॉकडाउन करना पड़ता है। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को देखा, और थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग,
एंड ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैंने कहा ना कि जो मेरे दोस्त जो डॉक्टर्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट इवन थैंक्स का डॉक्टर्स हैं, और जो नॉलेज वाले लोग रहे हैं, जो बाकी यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, वो ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिएगा। और प्लीज़ मैं एक बात कहूँगा, अक्सर यूट्यूब पे देखा है मैंने, ज़रा सी बात होती है तो झूठ लिख के हेडिंग चेंज करके अंदर कुछ और होता है, तो मैंने आज तक ऐसा नहीं किया। लिखा होता है जी एग्ज़ाम मुलतवी हो गई, आज फैसला हो गया, आज ये हो गया, होता कुछ भी नहीं है। आज NCOC ने फैसला सुना दिया एग्ज़ाम कैंसिल, फ्लाँ हो गया, फ्लाँ हो गया, आगे देखो तो होता कुछ नहीं है। तो प्लीज़ मैं सब यूट्यूबर्स हैं और जो न्यूज़ चैनल वाले हैं, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है रेटिंग बढ़ाते हैं आप, दिस इज़ नॉट गुड वे। खुदारा सही बात करें और जो बात आपकी हेडिंग में है, जो मेन थंबनेल में है, वही बयान किया करें, इससे क्या होगा। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड, थैंक यू सो मच अगेन। मैं फिर अपना इंट्रोड्यूस करता चलूँ अपना आप, मीन आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम तारिक मसी, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी गोमेंट ग्रेजुएट कॉलेज अटक। थैंक्स गॉड कि मुझे अच्छा लगता है कि जो मैं कर सकता हूँ आपके लिए, मैं अपना रोल प्ले कर रहा हूँ पॉजिटिव वे में, करता रहूँगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, खुदा हाफिज़।